हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप आप बढ़िया होगे, शानदार होगे। और आपका टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर का ये आपको गिफ्ट मिल चुका है। तो गिफ्ट क्या है? अगर आप एसएससी जीडी में सोचते हैं कि एक पद हम क्लियर कर लें, या आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी जीडी का एस्पिरेंट्स है, तैयारी कर रहा है, तो उस स्टूडेंट को ये वीडियो आप जरूर दिखाइएगा। एसएससी जीडी से जुड़े हुए जितने भी आप मन में सवाल रखते हैं, सारे सवालों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे कि इसमें दौड़ कितनी होती है, पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एज क्या होती है, फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें, इन सारी चीजों पर हम डिटेल करेंगे। कैसे इसमें जॉब लगती है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है और कितनी दौड़ लगानी पड़ती है, महिलाओं की कितनी हाइट होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे। ये वैकेंसी देखिए आप लोगों के लिए काफी है, 39,481 पद हैं, 39,481 पद आप लोगों के लिए यहाँ पर आई हुई है पोस्ट। तो इसमें हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, और यहाँ पर हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। संक्षिप्त में सारी बातों को 5 मिनट में आपके सामने रख दूंगा। ये 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए गोल्डन चांस यानी कि सुनहरा मौका है, जो रिजल्ट गुरु आपको अपडेट देता है, छोटी छोटी चीजें हो चाहे बड़ी बड़ी चीजें हो। तो चलिए आइए, 2025 में आपके सीने पर होगी वर्दी, आपके घर में आएगी एक खुशखबरी। वर्दी लेकर के आप घर में आओगे तो आपके मम्मी और पापा के सपने एकदम से साकार हो जाएंगे और वो एकदम हंसी में एकदम आपके साथ झूम उठेंगे। तो आइए अपने सपनों को उड़ान दीजिए। देखिएगा, एसएससी जीडी नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपकी ये दो मुख्य बातें आपकी क्या है, ये मुख्य बातें फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 5 सितंबर 2024, ये मान लीजिएगा फॉर्म आपके आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आइए लास्ट डेट अगर हम बात करें तो ये आपकी 14/10/2024 रात की 11 बजे तक आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, 14 नवंबर 2024, ठीक है। तो आप क्यों वेट कर रहे हो, सुबह जाइए कैफे पर अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दीजिए। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए, नहीं आप गलती कर लो, फोटो वगैरह उसमें सही से केवी के हिसाब से अपलोड ना कर पाओ, ठीक है। 100 रुपए फीस कटती है, वो कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेगा, वहां से फॉर्म अपना भरवाइए जाके, ठीक है। लास्ट डेट कई फीस ऑनलाइन की, अब इन डेटों के बारे में आप ज्यादा चक्कर में मना पड़े, सिर्फ एक डेट ये देखें कि आपकी जो परीक्षा है January-February 2025 में होगी। ऐसे मान लीजिएगा अभी पूरा आपके पास सितंबर है, सिर्फ 4 दिन 5 बीते हैं, सितंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, दिसंबर भी पूरा है, और आपकी जनवरी फरवरी में परीक्षा 2025 में हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें, दो चीजें, फॉर्म स्टार्ट 5 सितंबर से, अंतिम फॉर्म की डेट 14 नवंबर 2024। ये कब कई फीस की डेट है, क्या है, कब फॉर्म में सुधार करोगे, इन पर ना मतलब ध्यान रखो, बस दो डेटों को यहाँ ध्यान रखो, परीक्षा को ध्यान में रखो कि आपकी जनवरी फरवरी में है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, 160 अंक की परीक्षा, 60 मिनट का समय होता है। आइए सारी बातें बताएंगे। देखिएगा, एज लिमिट आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु की जो गणना होगी वो आपकी 1 जनवरी 2025 से गणना होगी, और जनरल वाले भाइयों के लिए आयु जो है, छोटे बच्चों के लिए, हमारे जनरल स्टूडेंट्स के लिए 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। 18 से कितना होना चाहिए, 23 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, 18 से 23 वर्ष, 23 ईयर, ठीक है। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 18 से 26 वर्ष, और इसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी ओबीसी स्टूडेंट्स को, और एससी एसटी को 18 से 28 साल, 18 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो, इस डेट के हिसाब से आप निकाल लेना, और आपकी 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। और शैक्षिक योग्यता की बात करें, 10th पास, ठीक है, मेट्रिकुलेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसमें क्या होती है, आपकी देखो हाइट मापी जाती है और चेस्ट मापी जाती है, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए ये है। अगर हम बात करें महिला कैंडिडेट की, तो महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लड़कियों की अगर हम बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए UROBC SC, ठीक है, उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट हो, ठीक है, और जो ST की महिलाएं हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके लड़कों के लिए, भाइयों के लिए, UROBC SC के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और ST कैटेगरी के पर पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और सीना कितना होना चाहिए, जो आपके UROBC SC स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए 60 सेंटीमीटर, और फुलाव एकदम से फुला देते हैं बच्चे सीना, तो 5 सेंटीमीटर, और ST के लिए 76 सेंटीमीटर और फुलाव 5 सेंटीमीटर अलग। महिलाओं का सीना काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइट का यहाँ पर इनका योगदान रहेगा बस। चलिए अब देखिए, जो ये आपके सामने वैकेंसी है,
इसको थोड़ा मोटा मोटी बताना चाहेंगे। ये वैकेंसी देखो यहाँ पर फोर्सेस के ये नाम दिए गए इधर, जैसे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF, NCB। SSF, NCB की जो मेरिट होती है थोड़ी हाई जाती है, ठीक है, इनके लिए पोस्टें भी आपकी कम है। देखो ये टोटल पोस्ट एक यहाँ लिखा है और ये टोटल यहाँ लिखा है, ये ग्रांड टोटल है जिसको महायोग कहती है, ठीक है। ये मेल के लिए पूरा इतना चार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी ये आपकी दी गई है, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी यहाँ पर सीधी की सीधे फोर्सेस के हिसाब से वैकेंसी दी गई है, और सभी का महायोग 39,481 वैकेंसी दी गई है। इस लिस्ट में आप सारी वैकेंसी को पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर हम बात करें इसका संपूर्ण नोटिफिकेशन, तो ये देखिए संपूर्ण नोटिफिकेशन 73 पेज का है, 73 पेज का है, तो 73 पेजों से जो इम्पोर्टेंट जानकारी निकाली है मैंने वो आपके सामने रखी है। ये आपको पूरे 73 पेज यहाँ पर नहीं, मैं ये आपको समझाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं 73 पेज में वो आपको मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर ये आपका ये सब लिखा है, कब ऑनलाइन होंगे फॉर्म, ये पूरे 73 पेज आपको हम पढ़ाएंगे नहीं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, जिसमें आपको PDF दे देंगे हम, रिजल्ट गुरु एग्जाम प्रिपरेशन करके है, तो उसमें आप जुड़ जाइए, सारी चीजें उसमें 73 पेज हम लिखी हैं, ये सब आपको हम नहीं कराएंगे। इसमें से जो मेन मेन चीजें मैंने आपको निकाली हैं वही है। देखो क्या है मेन मेन चीजें यहाँ पर, देखिए शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें, शारीरिक दक्षता की बात करें तो आपकी दौड़ यहाँ पर मेल कैंडिडेट पुरुषों के लिए कितनी होती है, 5 किलोमीटर की 24 मिनट में। बहुत अच्छी है, तैयारी करो आप अच्छे से पेपर के साथ साथ, इसको सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाओ, सर्दी धीरे धीरे आने लगी है और अच्छे से दौड़ कर लोगे। और महिलाओं के लिए दौड़ 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल महिला कैंडिडेट के लिए, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है दौड़, बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल। अब एज लिमिट आपको हम बता ही चुके हैं पूरी कहानी एज की, देखो ये एज की ये कहानी है आपकी पूरी, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। और एज लिमिट यहाँ पर दोबारा से ये पेपर की मैंने कटिंग यहाँ पर लगा दी है, जो आपका ऑफिशियल नोटिस है उसी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आपका हम सिलेक्शन प्रोसीजर बताएं, प्रोसेस बताएं सिलेक्शन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर इसके बाद टेस्ट होने के बाद जब आप पास हो जाते हो तो फिजिकल वगैरह होती है, दौड़ भाग, ठीक है बिल्कुल। और इसके बाद चेस्ट वगैरह नापा जाता है, लड़कियों का नहीं। और इसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपकी रैंक, और इसके बाद आप क्या हो जाते हैं इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस है, रैंक इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ध्यान रखना इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 160 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट का समय होता है जिसमें आपका पूछा जाता है, हिंदी ले लो या तो आप सब्जेक्ट इंग्लिश ले लो, हिंदी या इंग्लिश ले लो, या आप GK GS के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपके इनके हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन होंगे, और इसी प्रकार GK GS के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। बात करें आपके मैथ्स की तो मैथ्स के भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो 20 चौको 80 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, और 60 मिनट के समय में आपको ये पूरे करने हैं अगर वर्दी लेनी है तो, ठीक है भाई। चलो अब देखिएगा ये आपका जो एग्जामिनेशन है, ये देखिए पार्टों में पेपर डिवाइड है। पार्ट ए यही जनरल आपकी रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मिनट, पार्ट बी में आपकी जनरल नॉलेज 20, पार्ट सी में मैथमेटिक्स 20-40 के, हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज ले लो, अक्सर का स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी ही लैंग्वेज लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको 60 मिनट में हैंडल करनी, ऑफिशियल ये दिया है और लिखकर मैंने चीजें आपको यहाँ समझा दी हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजें थी जिसमें मैंने आपको देखिए क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर देखिए आपको हमने सिलेबस भी बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया, ज्यादा कोई कठिन एग्जाम नहीं होता है इसमें। रीजनिंग और मैथ्स आपकी बहुत सिंपल आती है, हिंदी भी बहुत सिंपल आती है, GK GS पर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, पढ़ने में समय मिल जाता समय लग जाता है, और 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस अच्छी करनी है आपको, ठीक है। और आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं है, एज लिमिट आपको बताई दी है, जनरल को यहाँ पर छूट नहीं, OBC को 3 वर्ष और SC ST 5 वर्ष, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने उजागर कर दी, रख दी, जो आपने देख ली बढ़िया तरीके से, ये सारी वैकेंसीज हैं। और आप लोग ऑफलाइन कमेंट्स करके एक बार बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और इसी के साथ हमारे रिजल्ट गुरु पर आप लोग जुड़ेंगे, हमारे एप्लीकेशन रिजल्ट गुरु को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे PDFs और बहुत सारे फ्री में क्वेश्चन और टेस्ट पेपर भी हम देते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।